महोदय, जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। आज आप सत्ता से बाहर हैं तो उसका मुख्य कारण जनता और उसके जनता के हकों और अधिकारों का हनन करना है। तमाम घोटालों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजरूमों के हिस्से और अधिकारों का भी आपने घोटाला किया, उनको भी आप खा गए हैं। मान्यवर, जनगणना की रिपोर्ट सभी जाति की संख्या, उसकी शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर होती रही है। शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा के सवाल पर करता था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तब देश की आबादी 30 करोड़ के करीब थी। अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की किस जाति में कितने लोग हैं। हालांकि भारत की आज़ादी से पहले 1941 तक जातियों की गिनती हुई है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका। आज़ादी के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना को नहीं कराने का फैसला लिया था। आज़ादी के बाद सरकार किसकी बनी थी? आज़ादी के बाद सरकार किसकी बनी थी, ये भी सवाल उठता है। सरकार में आप थे और उस वक्त आपने आरक्षण हमें हमारा हक और अधिकार नहीं दिया। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति के लोग, वर्ग के लोग, समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय में फोकस जरूर होते रहे हैं। आज यदि ये जनगणना को मोहर लग जाती है संसद में कि राज्य अपने हिसाब से करा सकेंगे, तो आने वाले समय में निसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं, बल्कि जिस तरह मोदी सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री शामिल हुए हैं, इस तरह ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। ना कि अगर हम बात करें 31 के जनगणना की, तो उस समय भी ओबीसी 92% था, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।